जी बिल्कुल, आइए जान लेते हैं करवा चौथ पूजा की सरल विधि। करवा चौथ के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करके करवा चौथ की पूजा आराधना कर, करवा जो होता है उसकी पूजा आराधना करके उसके साथ भगवान शिव माँ पार्वती की पूजा का विधान बताया गया है, क्योंकि माता पार्वती ने कठिन तपस्या करके भोलेनाथ को प्रसन्न करके अखंड सौभाग्य को प्राप्त किया था। इसलिए भगवान शिव माँ पार्वती की पूजा की जाती है करवा चौथ के दिन। व्रत के दिन प्रातः स्नान आदि करने के पश्चात यह संकल्प बोलकर करवा चौथ व्रत का आरंभ करना चाहिए कि मैं अपने सौभाग्य एवं पुत्र पोत्रादि तथा निश्चल संपत्ति की प्राप्ति के लिए करवा चौथ का व्रत कर रही हूँ। पति की लंबी आयु, बेहतर स्वास्थ्य, अखंड सौभाग्य के लिए संकल्प अवश्य कीजिए और यथाशक्ति दिन भर निराहार रहिए। शाम के समय पूजन स्थान पर एक साफ कपड़ा बिछा लीजिएगा, वस्त्र बिछा लीजिएगा, चौकी बाजोट के ऊपर एक साफ कपड़ा बिछा लीजिएगा, उस पर भगवान शिव पार्वती की, स्वामी कार्तिकेय की, भगवान श्री गणेश की स्थापना कर दीजिए। अगर प्रतिमा नहीं है तो तस्वीर की स्थापना कर दीजिए। पूजन स्थान पर मिट्टी का करवा भी रखना है। उस करवे में थोड़ा सा धान और 1 रुपए का सिक्का रखें, उसके ऊपर लाल कपड़ा रख दीजिए। एक और करवा रखें जिसमें मीठा पानी भरना है, शक्कर वाला मीठा पानी भरना है, उसका मुख भी लाल कपड़े से ढक देना है, ध्यान रखिए। सभी देवी देवताओं का जो स्थापित किए हैं उनका पूजन करना है। पूजन मंत्र कुछ मैं आपको बता रहा हूँ। ओम शिवाय नमः, ओम शिवाय नमः से भगवान माँ पार्वती का पूजन करना है। ओम नमः शिवाय, इस मंत्र से भगवान शिव का पूजन करना है। ओम षणमुखाय नमः, ओम षणमुखाय नमः, इससे स्वामी कार्तिकेय का पूजन करना है। ओम गणेशाय नमः, ओम गणेशाय नमः, भगवान गणेश जी का पूजन करना है। ओम सोमाय नमः, ओम सोमाय नमः, इस मंत्र से चंद्रदेव का पूजन करना है। भगवान को लड्डुओं का भोग लगाना है। करवा पर 13 बिंदी रखनी है, गेहूं या चावल के 13 दाने हाथ में लेकर करवा चौथ की कथा सुने, गणेश जी की कथा सुने, गणेश जी की आरती करें और जब चंद्रमा उदय हो जाए तो चंद्रमा का पूजन करके चंद्रदेव को अर्घ प्रदान करें। उसके पश्चात अपने पति के चरण छुएं, उनके मस्तक पर तिलक लगाइए। मीठे पानी वाला जो करवा है पति के हाथ में दे, पति अपने हाथ से उस मीठे जल का सेवन अपनी पत्नी को करवावे। धान से भरा जो करवा है वो अपनी सासू जी को भेंट कर उनसे आशीर्वाद ले। यदि वे जीवित ना हो तो परिवार में किसी अन्य सुहागिन महिला को करवा भेंट करें। इसके पश्चात परिवार के साथ बैठकर भोजन करें। तो इस सरल विधि से आज आप करवा चौथ व्रत को संपूर्ण कर सकते हैं।